ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਦੁੱਲੋ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ शराब कांड के पीड़ितों को। अमृतसर के पिंड मुच्छल दे विच पीड़ित परिवारों के नाल दुल्लो ने मुलाकात की है, अपनी ही सरकार नू एक बार फिर घेरिया है। दुल्लो ने साफ कहा कि पंजाब दे विच शराब माफिया पूरी तरह सरगर्म है, इस करके इस मामले की जांच CBI तो की जानी करवाई जानी चाहिए है। कांग्रेस के राज्यसभा मैंबर शमशेर सिंह दुल्लो, जिन्हां दे अपनी ही पार्टी की सूबे दे विच सरकार है, पंजाब दे विच सरकार है, और उही CBI जांच की मांग कर रहे हैं। आम तौर पर विरोधी पार्टियां की यह मांग होंदी है जदों कोई ऐसा वड्डा घटनाक्रम हो जाता है, पर कांग्रेस सरकार नूं इत्थे घेरा कैप्टन सरकार नूं जां कहीए इत्थे घेरा अपणियां तों ही पै रहा। शमशेर सिंह दुल्लो, प्रताप सिंह बाजवा दोने राज्यसभा MP लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाने साध रहे हैं, तो इस लड़ी का ही हिस्सा है कि अज शमशेर सिंह दुल्लो मुच्छल पिंड दे विच उन्हां पीड़ित परिवारों नूं मिलन पहुंचे। कहने सरकार की मिली भगत है, पॉलिटिशियन जोड़े ने वो मदद करते हैं लोगों की, इसलिए असी CBI की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज की ED की इंक्वायरी मंगी है। तो ये जी पंजाब के सैट बनाई है, ये तो अमरिंदर सिंह के थले है, क्योंकि होम मिनिस्टर भी उही है, एक्साइज मिनिस्टर भी उही है, किहड़ा अफसर अपने बॉस के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे दूगा। इसलिए इत्थे फिर इंक्वायरी नहीं होनी, असी हाई कोर्ट के जज की तो इंक्वायरी मंगते हैं। और मैं कहांगा सुनील ते हुण एक होर रिपोर्ट दिखाने हैं। शराब कांड तो बाद पंजाब पुलिस हुण अपने रंग च नज़र आ रही है, थां थां शिकंजा कसया जा रहा, छापेमारी की जा रही है, तो वड्डी गिणती च नजायज़ शराब बरामद भी हो रही है। इस रिपोर्ट राही दसांगे कि कितों कितों शराब बरामद हुई। जहरीली शराब ने तबाही मचाई, कई परिवार उजाड़ दिते, इस दुखांत ने अखां खोल दित्तियां। सरकार दी नहीं टुटी, पुलिस भी एक्शन दे विच आई, ते शुरू हुई दे धनादन छापेमारी। नजायज शराब की बरामदगी तस्वीरां तरन तारन दियां ने, जिथे हरीके झील दे मरड़ इलाके च पुलिस ने शिकंजा कसिया। शराब तस्करां दे खिलाफ मुहिम चलाई, छापेमारी की, 1,25,000 लीटर लाहण बरामद किया। पुलिस ने बरामद की कच्ची शराब नूं नष्ट कर दिता है। पुलिस ने 26 प्लास्टिक दियां तरपालां ते लोहे दे 10 ड्रम भी जब्त किए। मुलजमां दी भाल लई छापेमारी जारी है। अर्ली मॉर्निंग ज्वाइंट रेड कंडक्ट की है तरन तारण एक्साइज ते फिरोजपुर ने, ते नाल ही जिहड़े फॉरेस्ट ऑफिसर हैगे रेंज ऑफिसर कमलजीत सिंह वह भी नाल ही सीगे। तो लगभग अराउंड 1,25,000 लीटर लान जी है वो रिकवर की है, तो उन्होंने अंदर डिस्ट्रॉय किया गया। 24-25 तरपालों रिकवर हुई हैं, तो 10 ड्रम जे असी रिकवर किए हैं, तो उन्होंने और डिस्ट्रॉय किया गया। ये जरा हरीके का बेसिकली मंड एरिया है, उस साइड असी गए थे, तो सरप्राइज चैकिंग सी। दूजा मामला जलालाबाद के पिंड महालम का है, जिथे नजायज शराब खिलाफ पुलिस का डंडा चलिया, कई घरों से छापेमारी हुई। पुलिस ने 1200 लीटर लाहण से 70 लीटर नजायज शराब बरामद की। 3 मामले दर्ज किए गए, तो शराब तस्करों की भाल जारी है। महालम पिंड पहला ही नशे के लिए काफ़ी चर्चा च रहा है। अज तकरीबन 200 के करीब पुलिस मुलाजम, जिसे पूरी सब डिवीजन की फोर्स प्लस DPO की फोर्स शामिल सी, नाल पिंड मालम विखे रेड किया गया, जिथे तकरीबन 1200 लीटर लाहण ते 70 लीटर के करीब शराब नजायज बरामद हुई सी। किन्ने बंदे दे खिलाफ परचा दर्ज किया गया? 3 बंदे दे खिलाफ FIR लॉज की गई। ਇਹ ਸਖਤੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਨਾ ਪਸਰਦਾ, ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।